Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some important short answer type questions from the chapter Albert Einstein at School. हम लोगों ने अभी तक 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. जो आखिरी क्वेश्चन था 12वां, उसमें उसी से रिलेटेड ये 13th क्वेश्चन है. 12th क्वेश्चन में पूछा गया था कि एल्बर्ट के लिए ऐसा क्यों बोला गया था, क्यों बोला था बायोग्राफर ने, मतलब पैट्रिक प्रिंगल ने एल्बर्ट के लिए क्यों बोला था कि साइंस के अलावा अगर उसको कोई चीज़ कंफर्ट पहुंचाती थी तो वो सिर्फ थी म्यूज़िक. ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12. और ऐसा क्यों था, क्यों बोला गया था, उसका जवाब जो की पॉइंट्स में दिया गया कि एल्बर्ट अपने स्कूल से भी परेशान रहता था, अपने लॉज से भी परेशान रहता था, और ऐसी स्थिति में एकमात्र चीज़ जो उसको कंफर्ट पहुंचाती थी वो चीज़ थी म्यूज़िक. उसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है. व्हाई डिड द लैंड लेडी आस्क एल्बर्ट टू स्टॉप प्लेइंग म्यूज़िक. लैंडलेडी एल्बर्ट को म्यूजिक बजाने से रोकती थी. हाउ डिड ही फील. और जब वो रोकती थी तो एल्बर्ट को कैसा महसूस होता था. अब ये उसी म्यूजिक से ही रिलेटेड सवाल हुआ कि एल्बर्ट की मकान मालकिन एल्बर्ट को म्यूजिक प्ले करने से रोकती थी, और जब रोकती थी तो क्यों रोकती थी, ये पूछा, क्या बोल करके रोकती थी. और उसका बात सुन करके, मकान मालकिन का बात सुन करके एल्बर्ट कैसा फील करता था, ये दो क्वेश्चंस पूछे गए. तो पहले मकान मालकिन का आंसर देखते हैं कि वो क्यों रोकती थी एल्बर्ट को म्यूजिक प्ले करने से. Albert was miserable both in his school and in his lodgings. ये बताया गया कि Albert जो था वो अपने स्कूल और अपने लॉज दोनों से बिल्कुल unhappy था. And he found comfort only in music. और ऐसे में music में ही उसको comfort मिलता था. Music ही एक ऐसी चीज थी जो एल्बर्ट को आराम पहुंचाती थी, और म्यूजिक में वो वायलिन बजाना पसंद करता था. ये हमने टेक्स्ट्स में पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में कि वो वायलिन बजाना पसंद करता था. ही लाइक्ड प्लेइंग द वायलिन एंड प्लेड इट टिल द लैंडलेडी स्टॉप्ड हिम. उसको अच्छा लगता था वायलिन बजाना, और जब वो अपने लॉज अपने रूम में रहता था तो तब तक वायलिन बजाते रहता था जब तक उसकी लैंड लेडी आकर के उसको रोकती नहीं थी. सवाल पूछा है क्यों रोकती थी, तो उसका जवाब इसके आगे है. शी हैड नो ईयर फॉर म्यूजिक. क्यों का जवाब, उसकी मकान मालकिन के बारे में बोला गया, शी हैड नो ईयर फॉर म्यूजिक. अब ये एक फ्रेज है, इसका अगर तुम ट्रांसलेशन करोगे, नो ईयर फॉर म्यूजिक मतलब म्यूजिक सुनने के लिए उसके पास कान नहीं थे, ये इसका मतलब नहीं है, बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं है, फ्रेज है. इसका मीनिंग होता है कि म्यूजिक जो है
वो मकान मालकिन म्यूजिक के बारे में कुछ समझती नहीं थी, उसको कोई जानकारी नहीं था म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक से उसका लेना देना नहीं था। इसको लिखने के लिए यूज किया गया फ्रेज शी हैड नो ईयर फॉर म्यूजिक। अब अगर आप ये फ्रेज याद रख पाए तो आप इस फ्रेज को अपने आंसर में शामिल कीजिएगा तो आपका आंसर अच्छा वेटेज का जाएगा। अगर ये फ्रेज नजर आया शी हैड नो ईयर फॉर म्यूजिक, और इसी को अगर आसान शब्दों में कोई लिखना चाहेगा तो लिखेगा शी डिड नॉट लाइक म्यूजिक, उसको म्यूजिक पसंद नहीं था। तो वो हो गया कॉमन लैंग्वेज में। तो जो जिसको ये नहीं याद रहेगा वो कॉमन लैंग्वेज में लिख लेना, और जिसको ये याद रहे वो ये फ्रेज लिखना, और फ्रेज वाले आंसर को थोड़ा वेटेज ज़्यादा मिलेगा। तो मकान मालकिन इसलिए रोकती थी उसको, पहला रीज़न कि उसको म्यूज़िक पसंद नहीं था, म्यूज़िक के बारे में उसको कुछ मालूमात नहीं था। और वो क्या बोलती थी, शी कॉल्ड इट वेलिंग, म्यूजिक को, वायलिन के म्यूजिक को उसकी मकान मालकिन वेलिंग बोलती है। ये कीवर्ड है, हाईलाइट किया हुआ है। वेलिंग का मतलब मैंने चैप्टर में भी बताया था और यहां दोबारा बता रहा हूं कि वेलिंग जो है वो बेसुरा आवाज को बोला जाता है, बोल चाल के भाषा में बेसुरा आवाज है तो उसको बोलेंगे वेलिंग। अगर इंग्लिश में इसको इजीली लिखा जाए तो अनप्लीजेंट नॉइज या अनप्लीजेंट साउंड, कोई ऐसी आवाज जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे, उस आवाज को बोलते हैं वेलिंग। तो अब जो वेलिंग वर्ड यूज करेंगे अपने आंसर में वो ज्यादा वेटेज पाएंगे। तो पहले तो लिखा है कि मकान मालकिन इसलिए रोकती थी क्योंकि मकान मालकिन को समझ नहीं था म्यूजिक का। उसके बाद बोलती है कि मकान मालकिन को वायलिन का आवाज बेसुरा आवाज लगता था, और वो बोलती है कि वैसे भी हमारे घर में बच्चे हमेशा हाउलिंग करते रहते हैं, हाउलिंग ऑफ द चिल्ड्रेन। अब हाउलिंग का मतलब भी हम बता चुके हैं आपको टेक्स्ट में, रिपीट हम कर रहे हैं यहां कि हाउलिंग का मतलब है अगर एक साथ बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, मतलब दो चार बच्चे हैं और एक साथ रो रहे हैं, एक साथ चिल्ला रहे हैं, तो वैसे साउंड को हाउलिंग बोला जाता है। तो वो भी अनप्लीजेंट साउंड के कैटेगरी में आएगा, वो भी सुनने में अच्छा तो नहीं लगेगा। एक्चुअली हाउलिंग वर्ड के बारे में एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं कि ये हाउलिंग वर्ड एक्चुअली में यूज किया जाता है डॉग्स के साथ, कुत्तों के साथ। अगर कोई कुत्ता भौंकता है, भौंक रहा होता है, तो उसके लिए हम लोग भौंकने के लिए वर्ड यूज करते हैं बार्किंग, कॉमन वर्ड है बार्किंग, बार्क करना मतलब भौंकना। लेकिन अगर बहुत सारे डॉग्स एक साथ हों, बहुत सारे डॉग्स अगर एक साथ हों और वो सारे डॉग्स एक साथ भौंक रहे हों, तो बोला जाता है हाउलिंग करना। तो एक्चुअली में ये डॉग्स के साथ है पर यहां बच्चों के लिए यूज किया गया क्योंकि अनप्लीजेंट नॉइज है। तो उसके मकान मालकिन का कहना था, एक तो मकान मालकिन को म्यूजिक का समझ नहीं था, और मकान मालकिन का कहना था कि घर में
एक जो तुम्हारा वायलिन का आवाज है वो मुझे परेशान करता है, बेसुरा आवाज लगता है, और दूसरा बच्चे जो हैं वो हमेशा हाउलिंग करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, रोते रहते हैं, और इन दोनों अनप्लीजेंट साउंड्स के वजह से कपल्ड विद द साउंड ऑफ द म्यूजिक, वायलिन का आवाज और बच्चों के हाउलिंग का आवाज, ये वर्ड वेलिंग और ये वर्ड हाउलिंग, ये दोनों आवाज के वजह से उसकी मकान मालकिन को इरिटेशन होता था। इरिटेशन वर्ड हम ब्रैकेट में यूज किए हैं, यहां देखो एक फ्रेज यूज किए हैं, गॉट ऑन हर नर्व्स। अब इसको तुम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, अनुवाद नहीं कर सकते, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। फ्रेज है, इसका मीनिंग है कि इरिटेट होना, उसकी मकान मालकिन दो बेसुरा आवाज से इरिटेट होती थी। दो तरह की आवाजें, एक आवाज वायलिन का आवाज, जो एल्बर्ट वायलिन हमेशा प्ले करते रहता था, तो वो वायलिन का आवाज उसको वेलिंग लगता था, और दूसरे बच्चों का आवाज को बोली है हाउलिंग। तो ये दोनों आवाजें जब मिक्स हो जाती थीं, इधर एल्बर्ट वायलिन बजा रहा है और इधर बच्चे चीख चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे में मकान मालकिन जो है वो इरिटेट हो जाती थी। अगर आपको इरिटेट होना लिखना है तो आप इरिटेट वर्ड यूज कर सकते हैं, और अगर आपको इससे अच्छा वर्ड यूज करना है तो ये वाला वर्ड यूज कीजिए, गॉट ऑन हर नर्व्स, जिसका सेम मतलब होता है इरिटेट होना। तो क्वेश्चन पूछा था कि मकान मालकिन क्यों रोकती थी एल्बर्ट को, और उसके साथ एक क्वेश्चन और था, हाउ डिड ही फील। तो ये तो आंसर हुआ कि मकान मालकिन क्यों रोकती थी, क्योंकि मकान मालकिन इरिटेट हो जाती थी शोर शराबे से, इसलिए रोकती थी। अब जब वो रोकती थी तो एल्बर्ट को क्या फील होता था, इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, एल्बर्ट का क्या फीलिंग था वो यहां से है। एल्बर्ट फेल्ट दैट ही शुड टोल्ड द लैंड लेडी दैट शी हरसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउलिंग एंड क्राइंग। सॉरी, यहां स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये क्राइम वर्ड लिखा गया है, क्राइम वर्ड यहां नहीं होना चाहिए, क्राइंग वर्ड लिखना है, रोने वाला, क्राइंग, CRYING। शी हरसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउलिंग एंड क्राइंग ऑफ द चिल्ड्रेन। एल्बर्ट क्या फील करता था ये पूछा है, तो इसको पहले बोलचाल की भाषा में समझो कि क्या फील करता था, जो यहां लिखा हुआ है। उसको, एल्बर्ट को मन करता था कि एल्बर्ट अपनी लैंड लेडी को ये बोल दे, पलट करके जवाब देना जिसको बोलते हैं, तो एल्बर्ट को मन करता था जब उसकी लैंड लेडी उसको रोकती थी म्यूजिक बजाने से, ये बोल करके कि बहुत बेसुरा आवाज है और बच्चों की आवाजें भी बहुत आती हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, मत बजाओ वायलिन, तो एल्बर्ट को मन करता था कि वो अपने मकान मालकिन को बोले, बता दे कि जिन बच्चों के रोने के आवाज से उसको इरिटेशन होता है उन बच्चों को रुलाती तो वही है, शी इज रिस्पॉन्सिबल। लिखा हुआ है शी शुड टोल्ड द लैंड लेडी, एल्बर्ट को लगा कि उसको अपने लैंड लेडी को ये बता देना चाहिए कि वही रिस्पॉन्सिबल है बच्चों के रोने और हाउलिंग के पीछे। कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वही उन लोगों को मारते पीटते रहती है, दिन भर मारते पीटते रहती है, तो बच्चे रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो एल्बर्ट को मन किया कि वो अपनी मकान मालकिन को पलट के जवाब दे कि बच्चों के रोने और चिल्लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। मगर
एल्बर्ट ने ऐसा बोला नहीं, लिखा है बट फाइनली एल्बर्ट डिसाइडेड टू से नथिंग, लेकिन फाइनली एल्बर्ट इस बात को अपने मन में ही रखा और उसने सोचा कि कोई फायदा नहीं है बोलने से, और वो कुछ बोला नहीं। बस उसको मन किया था कि अपना अपनी मकान मालकिन को वो जवाब दे कि जिन बच्चों के रोने से आपको प्रॉब्लम होता है उन बच्चों को आप ही मार मार करके रुलाती हैं, ये जवाब देने का मन किया था। बट उसने ऐसा कुछ बोला नहीं, शी केप्ट साइलेंट, ठीक है, ही डिसाइडेड टू से नथिंग, और उसने डिसाइड किया कि छोड़ो इस क्या बोलना है इस बारे में। तो ये था ये क्वेश्चन का आंसर कि मकान मालकिन क्यों रोकती थी और एल्बर्ट कैसा फील करता था, एल्बर्ट के मन में क्या आता था। ये क्वेश्चन आपको अलग से भी दे सकता है, अलग से सिर्फ ये क्वेश्चन दे देगा कि क्वेश्चन पूछ देगा कि जब एल्बर्ट की लैंड लेडी एल्बर्ट को वायलिन बजाने से रोकती थी तो एल्बर्ट कैसा फील करता था, या पूछ देगा कि एल्बर्ट को क्या मन करता था। तो ये सेम आंसर रहेगा कि एल्बर्ट को मन करता था कि वो अपनी मकान मालकिन को सुना दे कि बच्चों के रोने के लिए जिम्मेवार मकान मालकिन ही है, वही मारते पीटती रहती है इसलिए बच्चे रोते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं, ये मन किया एल्बर्ट को, लेकिन फाइनली एल्बर्ट ने डिसाइडेड किया टू से नथिंग, कुछ नहीं बोला वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अब ये क्वेश्चन कहां से है, पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया, चैप्टर में एक जगह बताया गया कि एल्बर्ट जब स्कूल से छुटकारा नहीं मिल पाता है, उसको कोई चारा नजर नहीं आता, कोई उपाय नजर नहीं आता, तो एल्बर्ट के मन में एक दिन एक प्लान, एक आइडिया आता है जब वो यूरी से बात कर रहा होता है। आइडिया आता है, प्लान बोल सकते हैं, कि अगर ऐसा किया जाए तो स्कूल से छुटकारा मिल सकता है। वहां से पूछा है ये क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट वॉज एल्बर्ट लुकिंग फॉर एंड व्हाई। एल्बर्ट एक तरह का सर्टिफिकेट खोज रहा था, स्टोरी में बताया गया कि सर्टिफिकेट के जगह अगर लिखे मेडिकल सर्टिफिकेट खोज रहा था एल्बर्ट, और अगर इसको डिस्क्राइब करके लिखे तो फेक मेडिकल सर्टिफिकेट खोज रहा था, झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट। तो पूछ रहा है कि किस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट, किस तरह का झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट खोज रहा था, और यह भी पूछा है कि क्यों खोज रहा था वो मेडिकल सर्टिफिकेट, एल्बर्ट क्यों खोज रहा था और कैसा सर्टिफिकेट खोज रहा था। इस क्वेश्चन को और एक आसान तरीके से पूछ सकता है, पूछ सकता है कि एल्बर्ट अपने स्कूल से छुटकारा पाने का क्या प्लान बनाता है, एल्बर्ट क्या प्लान बनाता है अपने स्कूल से छुटकारा पाने का। और छुटकारा पाना, इस वर्ड को वो यूज करेगा गेट रिड ऑफ हिज स्कूल। व्हाट डिड एल्बर्ट प्लान, या हाउ डिड एल्बर्ट प्लान टू गेट रिड ऑफ हिज स्कूल। अपने स्कूल से छुटकारा पाने का एल्बर्ट ने क्या प्लान बनाया था, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो एकदम सेम आंसर रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी वही पूछा है, आंसर में वही बताएंगे। तो क्वेश्चंस जो हैं वो जरूरी नहीं होते हैं कि एकदम
मैच कर जाएं। लेकिन आंसर जो है ना, ये मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स हो सकते हैं। जैसे एक ये पूछा कि किस तरह का सर्टिफिकेट खोज रहा था और क्यों, और इसके जगह अगर पूछ दिया कि अल्बर्ट अपने स्कूल से छुटकारा पाने का क्या प्लान बनाया, तो दोनों का आंसर सेम होगा, यही आंसर होगा। आंसर देखते हैं क्या था अल्बर्ट के मन में प्लान, क्या सर्टिफिकेट पाना चाहता था। अल्बर्ट टोल्ड यूरी दैट ही वांटेड टू डिसकंटिन्यू विथ स्कूल। अल्बर्ट और यूरी में जब एक दिन बातचीत होता है तो अल्बर्ट यूरी को बोलता है क्या कि वो स्कूल छोड़ना चाहता है। डिसकंटिन्यू मतलब छोड़ना चाहता है, वो अपने स्कूल और कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब वो बोलता है कि अब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, अगर और मैं स्कूल में रहा तो मेरा मेंटल हेल्थ जो है वो बिगड़ सकता है। अल्बर्ट यूरी को बोलता है कि वो स्कूल अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ही वॉन्टेड टू डिसकंटिन्यू विथ स्कूल। इफ हाउएवर ही वेंट बैक टू मिलान ही वुड बी सेंट बैक बाई हिज फादर। अब स्कूल छोड़ करके अल्बर्ट जाना चाहता था, तो स्कूल छोड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा, एक ही जगह जाएगा, अपने पेरेंट्स के पास। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि उसके पेरेंट्स मिलान में रहते थे, इटली में रहते थे। तो स्कूल छोड़ के बाद अगर वो स्कूल से छुटकारा पाएगा तो कहाँ जाएगा, एक ही जगह बचता था, पेरेंट्स के पास। लेकिन वो बोलता है कि पेरेंट्स के पास तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि फादर उसको वापस भेज देंगे। लिखा है इफ ही वेंट बैक टू मिलान, अगर वो वापस अपने पेरेंट्स के पास जाता है, ही वुड बी सेंट बैक बाय हिज फादर, तो उसके फादर उसको वापस भेज देंगे स्कूल। इसका भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि क्यों उसके फादर वापस भेजेंगे। बहुत सिंपल आंसर है, जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा, क्योंकि उसके फादर का कहना था कि जब तक डिप्लोमा नहीं पूरा हो जाएगा तब तक तुमको इसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर वो स्कूल छोड़ करके अपने पेरेंट्स के पास जाता तो उसके फादर द्वारा उसको वापस भेज दिया जाता। ही हैड अ प्लान, लेकिन तभी उसके मन में एक प्लान बना। क्या प्लान था? इफ अ डॉक्टर सर्टिफाइड दैट ही हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड इट वुड बी बैड फॉर हिम टू गो टू स्कूल। मतलब कि अगर कोई डॉक्टर ये सर्टिफाइड कर दे, ये लिख करके दे, डॉक्टर ये प्रिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर जो है वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे कोई डॉक्टर, जिसमें लिख दे कि अल्बर्ट को क्या हो गया है, ये स्टोरी में भी था कि अल्बर्ट को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, और उसमें लिख दे कि अल्बर्ट के लिए स्कूल जाना खराब हो सकता है, इट वुड बी बैड फॉर हिम टू गो टू स्कूल, अल्बर्ट के लिए स्कूल जाना खतरनाक हो सकता है, ये लिख दे, और लिख दे कि अल्बर्ट को अपने स्कूल से दूर रहना चाहिए। ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट अल्बर्ट पाना चाहता था, क्योंकि ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट से ही स्कूल से भी छुटकारा मिल जाता और फादर के पास जब जाता तो फादर भी वापस उसको स्कूल नहीं भेज सकते थे। यहां लिखा गया ही कुड गेट रिड ऑफ स्कूल। ऐसा सर्टिफिकेट वो क्यों चाहता था? ताकि वो इस सर्टिफिकेट से अपने स्कूल से छुटकारा पा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना कि अल्बर्ट स्कूल से छुटकारा पाने का क्या प्लान बनाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन,
जिसमें लिखा हुआ रहे कि अल्बर्ट के लिए स्कूल जाना खतरनाक हो सकता है, जिसमें लिखा हुआ रहे कि अल्बर्ट को स्कूल से दूर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाए तो इसके सहारे अल्बर्ट क्या करना चाहता है, अपने स्कूल से छुटकारा पाना चाहता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।